नवरात्रि शुरू होते ही सलकनपुर स्थित मां विजयासन शक्तिपीठ पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ने के साथ ही दिन प्रतिदिन भक्तों की संख्या में इजाफा होता चला जाता है। अवकाश के दिनों में यह आंकड़ा लाखों में बदल जाता है। साथ ही नवरात्रि के प्रथम दिवस से ही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है। मान्यता अनुसार माँ विजयासन धाम पहुंचकर भक्तों द्वारा सच्चे मन से की गई प्रार्थना पूरी होती है। शनिवार को पितृमोक्ष अमावस्या से ही माँ नर्मदा में स्नान के साथ ही माँ विजयासन शक्तिपीठ पर माता के भक्तों का जनसैलाब उमड़ने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। प्रतिवर्ष सलकनपुर में भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, खातेगांव, हरदा की ओर से अमावस्या से ही पद यात्रियों का आने का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है, जो कि धीरे धीरे लाखों की संख्या में पहुंच जाता है। कहाँ से आए आप लोग? भोपाल से आए हैं। आप हर बार आते हैं यहाँ पर? हर बार कई बार आते हैं। तो गाड़ी से आए, पैदल आए, किस आए? गाड़ियों से आए। आपकी मनोकामना पूर्ण होती है? हर बार पूरी होती है। पिछले मेरी मनोकामना। कितने सालों से आ रहे हैं आप लोग? कितने सालों से आ रहे हैं? हर बार आते हैं। ये बैम्बू पीठ है, रक्त बीज का वध करने के पश्चात यहाँ भगवती आसन पर आरूढ़ हुई हो वो विजयासन के नाम से जाना जाता है। विद्या शब्द जो है अथर्ववेद देव्य अथर्वशीष में आया है। पापा का हरणिम देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी अनंताम विजयाम सुताम शरण्याम शिविदान शिवान। कवच में भी आया विद्या सर्वता स्थिता। यहाँ 500 वर्षों से अखंड दीप जल रही है। एक घृत की एक तेल, वो एक घृत चंद्रमा है, सूर्य तेल है, दूध और चंद्रमा।